गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम योर हिंदी टीचर। मैं आपको आज पार्ट 15 केरल का निमंत्रण चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको पाठ परिचय में देखिए केरल की सुंदरता, भारत में कितनी सुंदरता है, तो केरल का निमंत्रण। एक लड़की है, उसका नाम है ओमना। मैं हूँ ओमना, भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित सुंदर केरल राज्य में रहने वाली एक बालिका। एक लड़की है जो आपको केरल में रहती है और आपको ये बताना चाहती है कि केरल किस तरह है और केरल का आप किस तरह निमंत्रण स्वीकार करें, यानी आपको केरल जाके घूमना है, ठीक है। लेकिन अभी हम बुक के माध्यम से और ओमना के माध्यम से केरल शहर का, केरल राज्य का निरीक्षण करेंगे। चलिए, मैं ओमना हूँ, भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित सुंदर केरल राज्य में रहने वाली एक बालिका। अब वो केरल के बारे में आपको बताएगी। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली है, यानी केरल में चारों ओर हरियाली हरियाली है। आप अपने बुक ओपन करिए और ये वीडियो के माध्यम से उसमें देखने का प्रयास कीजिए कि सच में यहाँ पे हरियाली हरियाली छाई हुई है। और वो लड़की बता रही है कि केरल की यात्रा करके यहाँ की शोभा भी आप देख सकते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और झुके हुए हैं, जैसे कि वो आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। समुद्र की लहरें तुम्हारी कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। अब आगे देखिए, केरल के पूर्वी भाग में पर्वत हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते, किसी को कोई फाउंडेशन नहीं है। सारे जीव जंतु सब खुले रूप से घूमते हैं। यहाँ पे 8837 फीट ऊंची अनामुदी पर्वत चोटी, अनामुदी को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर पश्चिमी समुद्र पर खाड़ियाँ और लैगून हैं, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लैगून किसे कहते हैं? लैगून ताजे पानी का एक छोटा सा क्षेत्र है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। केरल की भाषा क्या है? मातृभाषा मलयालम है, ठीक है। मेरी मातृभाषा मलयालम है, मेरे प्रदेश के लोग, ये ओमना बता रही है। कौन बता रहा है? ओमना। ओमना, वेरी गुड, ओमना बता रही, क्योंकि वो केरल की रहने वाली है और वो ही तो केरल के बारे में बताएगी। जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यूपी की बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके प्रदेश के लोग क्या करते हैं? सादा जीवन जीते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु कैसी है? जलवायु यानी उसका जल और वायु, गर्म और आर्द्र। वहाँ पर बहुत ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पर क्या है? गर्म और आर्द्र। जैसे हमारे यहाँ इस टाइम बहुत ठंडी पड़ रही है ना? हाँ मैम। हाँ, तो वहाँ पर क्या है? गर्म है। और केरल के लोग एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा साक्षर होते हैं। साक्षरता का जो परसेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ लगभग क्या होता है? पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर क्या करते हैं? छाता लगा कर निकलते हैं। और क्या पहनावा है? पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं, स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अत्यधिक प्रिय होता है। केरल का मुख्य व्यवसाय है खेती और मछली पकड़ना। अब देखिए, प्रिय भोजन तो आपको पता है, डोसा खाते हैं, हाँ, इडली खाते हैं, सांभर yes, खाते हैं, चावल खाते हैं, हाँ। तो यहाँ पे ये सब केरल के ही फ्रूट्स हैं, ये सब वहीं से हम लोग मतलब जाने हैं, और वहीं का अब सब जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे ये जरूर मिलेगा आपको, चावल, मच्छी, डोसा, इडली, सांभर, अब ये उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन देश भर में बहुत ही, और मेरी माँ भी केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं। अब सबसे मुख्य बात ये है कि ओणम हमारा केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है? ओणम। इसी केरल का निमंत्रण में आपको केवल त्यौहार नहीं, हर चीज़ बताई जाएगी। तो ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। आरंभ में शुरू, जो भी आपको बेटा टफ लगे, जो भी आपको टफ लगे उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी कि जब आप वापस आएंगे ना स्कूल में, ठीक है, तब मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं आधे ही चैप्टर में आपको बता रही हूँ, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि केरल में कैसा नृत्य होता है,
केरल की स्त्रियाँ क्या पहनती हैं, हस्तशिल्प क्या है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना आप तब तक तैयार करके रखिए, जो वर्क बेटा आपको सेंड किया जाएगा उसको आप अपनी हिंदी की कॉपी में कंप्लीट करके रखिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।